हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल मेथी वाले, और इसे चना दाल की सब्जी भी बोल सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। सब जगह बनती है, अगर सब्जी नहीं है तो घर में बना सकते हैं, टेस्टी लगता है खाने में। आप चपाती पराठे पूरी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने हींग लिया है, एक चुटकी लेंगे बड़ा, और एक टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है, एक चौथाई टीस्पून मैंने राई लिया है, और एक टीस्पून मैंने शक्कर लिया है बड़ा। और शक्कर की जगह आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसके लिए मैं शक्कर डाल रही हूँ। और इसमें गुड़ डालिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक टेबलस्पून मैंने मेथी दाना जो होता है वो लिया है, एक बड़ा टेबलस्पून, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है चना दाल, ये मैंने आधा कप लिया था, उसे आधा घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, और उसके बाद में मैंने इसे पका लिया है। आप प्रेशर कुकर में पका सकते हैं, और या कढ़ाई में टू मिक्सी में भी आप उबाल लीजिए, पका लीजिए। और दाल को हमें इतना पकाना है कि ये दाल, ये देखिए अच्छे से ये टूट जा रहा है, पूरा मैश नहीं होना चाहिए लेकिन पका होना चाहिए। तो अच्छे से दाल पक गया है, और उसके साथ में जो बचा हुआ पानी था दाल का वो भी मैंने इसमें लिया है। और एक टेबल स्पून ऑयल लेंगे, और एक चुटकी बड़ा हल्दी पाउडर, और एक टीस्पून ये मैंने देसी घी लिया है, और एक टेबलस्पून मिर्ची पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने कश्मीरी तीखा लाल मिर्च जो होता है वो लिया है मैंने। और देखते हैं हम कैसे बनता है। और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, सॉरी मैं बताना भूल गई। और सबसे पहले क्या करेंगे, जो घी है उसी में हम मेथी दाने को डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में, जो देसी घी लेना है हमें उसमें अच्छे से मेथी दाने को अच्छे से मिला देंगे हम। और जैसे मैंने बोला, आप थोड़ा चाहिए तो घी और ज़्यादा ले सकते हैं, मेथी दाना भी और ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करके हम रख देंगे ऐसे ही, इसे हम छोड़ देते हैं। तो गैस को मैंने ऑन कर लिया है, गैस पे कढ़ाई रख लिया है, और उसमें हम ऑयल डाल देंगे एक छोटा टेबलस्पून। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है, और इसमें हम डालेंगे राई, और राई को फूटने देते हैं। तो ये राई अच्छे से फूट गया है, और इसमें हम डालेंगे हींग, और इसे भी भून लेंगे। और इसमें जो हम चना दाल मैंने बॉईल किया था वो डाल देंगे। तो ये मैंने चना दाल को इसमें डाल लिया है, और अब बाकी इसमें हम मसाले डालेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और शक्कर। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और जैसे मैंने बोला गुड़ डाल दिया आप, गुड़ बहुत अच्छा लगता है इसमें, लेकिन मेरे पास था नहीं इसके लिए मैंने नहीं डाला है, तो मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ, और आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके साथ में इसमें हम नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक उबाल आने देंगे आप दाल को, जो चना दाल है उसे आप भिगो के रखिए आधा घंटा, और बॉईल करके फिर इसको आप फटाक से आप छौंक लगा के बना सकते हैं। तो इसमें मैं एक उबाल आने देती हूँ, और इसमें उबाल आने लग गया है, और जो हमने घी और मेथी रखा था मिक्स करके, अभी उसे हम इसमें डाल देंगे, और गैस को मीडियम रखे, कम रखे पकाएंगे हम 5 मिनट तक। अच्छे से मिक्स करेंगे, जो हमारी मेथी है पक जाना चाहिए। गैस को कम कर देंगे, और इसे हम पकने देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट।
तो अभी हम इसे देख लेते हैं। और मैंने ढक्कन लगा के इसे 6 से 7 मिनट तक ढक दिया था मैंने। ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। थोड़ा सा हम गैस को हाई करके थोड़ा सा और पका लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो 1-2 मिनट तक पका लेते हैं। तो इसे 1 से 2 मिनट हो गया है, मैंने पका लिया है। अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो ये मैंने एक सर्विंग डिश में निकाल लिया है। तो ये हमारे चना और मेथी के सब्जी बनके तैयार है, चना मेथी वाले बनके तैयार है। आप बनाइए, पराठे पूरी चपाती के साथ में सर्व करिए। जब आपके पास कोई सब्जी नहीं है तो ज़रूर बनाइए, और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं और लाइक करिए प्लीज़ मेरे वीडियो को। और देखिए कितना अच्छा बना है और टेस्टी भी है खाने में, तो ज़रूर बनाइए। और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और फिर से मिलते हो नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।